तो भाई साइंस की और इसकी पबजी वाली फाइट होगी भाई। ओ भाई लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई खतरनाक। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम एलिस वाली बॉक्सर है। देखो क्रिसमस ट्री देखो गाइस कितना बड़ा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा हो, पूरी लाइट वाइट लगा के सजा रखा भाई। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरी सुबह। गाइस जैसा कि आपको पता है हम कल बैलून उड़ाने वाला लेके आए थे, तो भाई साइंस तो सुबह से ही बैलून उड़ाने लग रहा है। इसका पानी भी खत्म होने वाला है गाइस, अब हवा बहुत तेज चल रही है ना, तो बहुत ही मस्त बैलून बन रहे हैं इससे। ये देखो कितने बड़े बड़े बैलून उड़ के जा रहे हैं। ये देखो भाई कितना बड़ा बैलून बन गया। तो भाई अभी साइंस ना बच्चों को पागल बना रहा भाई उड़ा के। ये देखो उड़ा दिया, ये देखो भाई बैलून पे बैलून उड़ाए जा रहा है। तो भाई साहब देखो कितना बड़ा बैलून बन गया। चलो तो भाई अभी इस बैलून उड़ाने वाले को रख देते हैं और भाई साइंस के स्कूल के पास वाले मॉल चलते हैं, वहाँ पे ना हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ मिलती है, वो लेके आएंगे आज। बहुत सारी लेके आऊंगा जो टूट भी जाती है और जुड़ भी जाती है। बाप जी हन्नी भी छोटा बच्चा बन गया, खैर मिली लैम्बोर्गिनी और फरारी ला दियो। भाई हन्नी इतना बड़ा हो गया ना, अभी भी भाई गाड़ियाँ साथ में लेके सोता है यार। चलो ला देंगे। चलो तो गाइस अभी जल्दी चलते हैं साइंस के स्कूल के पास वाले मॉल, आज तो भाई हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ लेके ही आएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। चाचे चनाम जिवे है ट्रेंड नी, बैरी रखे करके गुडे ते बेंड नी, चकने लगे ना पट्टू लाऊंदा बेंड नी, पहलियां तो गप्परू कराऊंगा एंड नी। तो गाइस अभी साइंस के स्कूल के पास वाले मॉल पहुंच गए हैं। आज भाई गुड़गांव में सबसे ज्यादा ठंड है भाई, 6 डिग्री टेम्परेचर है भाई। आज क्यों आ गया घर से बाहर भाई, बर्फ पड़ने वाली है और अभी बाहर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ रही हो। आज तो भाई सारे पत्थर खाली कर दिए तेरे, कोई अंदर ही फेंक के चला गया। तो भाई साइंस तो आते ही टॉय स्टोर पे आ गया, अभी देखते हैं हॉट व्हील्स की गाड़ी नहीं है इनके पास। ये रही भाई यहाँ तो भाई साहब बहुत तगड़ा तगड़ा कलेक्शन है गाड़ियों का, मगर भाई हॉट व्हील्स की नहीं मिल रही भाई। मॉल में गोली चल गई भाई, सारे गैंगस्टर आ गए गन लेके। भाई मुझे तो बख्श दो। ये देखो फ्लोटिंग पेन तो भाई मॉल में मिल रहे हैं, मगर साइंस का हॉट व्हील का ट्रैक नहीं मिला भाई। इसे भूतिया डॉल दिलवा देते हैं, कितनी मस्त लग रही है देखो। ये देखो अपनी गैंग का बंदा मिल गया यहाँ पे भी। तो भाई साइंस की और इसकी पबजी वाली फाइट होगी भाई। ओ भाई लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई खतरनाक। साइंस के ऊपर खतरनाक अटैक भाई। साइंस की हॉट व्हील की गाड़ी तो मिली नहीं, हन्नी के लिए लैम्बोर्गिनी ले ली। यहाँ पे देखो भाई बॉक्सर भी मिल रही है, तो गाइस हन्नी के लिए मस्त गाड़ी ले ली है। और भाई इन मॉल वालों ने ना अभी तक क्रिसमस ट्री हटाया ही नहीं, ये देखो ऐसे के ऐसा लगा हुआ है। तो भाई सेंटा से मिल लो, आज भी यहीं का यहीं खड़ा है। और भाई सेंटा के पेड़ के आगे ना अब नया पार्क भी बना दिया, इसमें बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन होता है भाई। साइंस ने ना गाड़ी इसमें दबा दी भाई, थोड़ी देर में भूल जाएगा तो कहाँ दबाई थी तूने। ये देखो भाई अभी इसे मिल ही नहीं थी कहाँ है, ये देखो भाई मुझे मिल गई। तो गाइस मॉल के कैफेटेरिया के यहाँ पे आ गए हैं, क्या खाएगा भाई? तो अभी साइंस के लिए ऑर्डर करते हैं भाई। तो भाई अपना मस्त खाना आ चुका है, अभी साइंस के लिए भाई चावल मंगाए हैं स्पेशली। ठीक है चावल कौन खाता है, कुछ मंगवाओ इसके साथ। ये देखो भाई साइंस तो भर भर के मिर्च खा रहा है। मिर्च नहीं लगती क्या तुझे? नहीं भाई, साइंस ने जब से जोलो चिप खाई है ना इसे मिर्च ही नहीं लगती। कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस अभी मस्त खा पी लिया है, और साइंस ने देखो भाई हन्नी के लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता भाई। ये देखो भाई सस्ती मधुमक्खी डांस करने वाली। भाई साइंस देखो गाड़ी चेंज करके आ गया, पहले लैम्बोर्गिनी ली थी अब बॉक्सटर ले आया। वाली। भाई मॉल से बाहर आते ही ना खतरनाक ठंड लगनी शुरू होगी भाई, भयंकर ठंड। आज गलत आ गए हम, बहुत गलत आ गए। और इनको देखो इतनी ठंड में भाई फाउंटेन चला रखे हैं भाई। आज तो ऐसा मौसम हो रहा है रजाई में घुसे रहो बस। अरे ट्यूशन नहीं जाऊंगा, छुट्टी मारूं मैं, ठंड लग रही है बहुत बुरी। भाई पढ़ाई जरूरी है, ट्यूशन जाना पड़ेगा। ऐसा मत करो मेरी जान। गाइस वैसे साइंस भी पागल है, इतने छोटे से टॉय के लिए ना इतनी दूर लेके आया मुझे इतनी ठंड में। भाई ये तो वहीं मिल जाता, ऐसी क्वालिटी की नहीं मिलती। चलो तो गाइस अभी जल्दी चलते हैं घर और हन्नी का रिएक्शन देखते हैं। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी आ गए घर। चलो तो भाई अभी हन्नी को सरप्राइज करते हैं। कैंपा मिल गई। अबे ठंडी है अभी मत पी, ये देखो कितनी ठंडी पीने लग गया भाई, पागल है। तो गाइस अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। भाई सारे डिब्बे फाड़ देता है ये देखो हन्नी छीनने लग गया भाई। अबे भाई दिखा दे हन्नी को। भाई साइंस दिखाता ही नहीं है यार, मैं नहीं मंगवाई है और तो और। भाई दे ही नहीं रहा हन्नी को ये देखो। अब हमारी कलेक्शन में तीन तीन गाड़ियां हो गई भाई, बहुत सारी गाड़ियां हैं इनके पास। पेच ले क्या पेच? ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम एलिस वाली बॉक्सर है। पहले कौन सी ला रहा था ये? पहले फरारी। फरारी भी कोई गाड़ी है, पगानी रहा था। अब भाई ये पगानी कौन सी गाड़ी आ गई? गाइस एक घंटे से अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रहा ये। गाइस इस गाड़ी में ना पेच लगे हुए हैं, अभी भाई खोलने पड़ेंगे। क्यों मेरे सबर का इम्तिहान ले रहा है ये? गाइस ये देखो मस्त गाड़ी है भाई, इसके दरवाजे भी खुलते हैं। मेरे पास इसी कलर की लैम्बोर्गिनी थी हॉट व्हील्स की। ये देखो कुछ दिन पहले साइंस ये ट्रक लेके आया था, और एक मस्टैंग भी लेके आए थे हम, मगर एक छोटा सा बच्चा आया था उसे दे दी मैंने। अब मस्त इसे लेके सोऊंगा, इसका ड्रॉप टेस्ट करेंगे भाई, तोड़ के देख रहे हैं। इसके गेट ऊपर की तरफ तो खुलते ही नहीं, गरीब वाली गाड़ी है ये। भाई अभी साइंस को ट्यूशन भेजते हैं, शाम को मिलते हैं फिर। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम और साइंस ट्यूशन से आ गया है। ये देखो आते ही गाड़ी से खेलने लग गया भाई, गाड़ी के ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ा दी? क्योंकि लोडिंग ट्रक है। ये देखो जो कल टॉय लेके आए थे ना वो फोन के डिब्बे में रख दिए इसने। ये देखो मुझे
भाई साइंस अब मत सीख गया, कल तो बढ़िया नहीं उड़ा पा रहा था। अब देखो सिर्फ दो ही बॉल बची है, दो ब्लू वाली बॉल तो इसने गुम कर दी। बैठ के नीचे, देखो एक निकाली मैंने बैठ के नीचे से। गाइस आज फिर से आपको प्रेम चोपड़ा वाला सिगार जला के दिखाता हूँ। मैं उड़ा देता हूँ भाई, साइंस तो फेंक ही देता है। ओ भाई उड़ा दी उड़ा दी उड़ा दी। गाय ये वाला टॉय ना पहले बहुत पॉपुलर था, आज के बच्चे तो इसे बता नहीं सकते, मगर पुराने टाइम के बंदे ना सब इसको जानते हैं। अच्छा मुझे पता ही नहीं था। तो गाइस अभी खतरनाक ड्रैग रेस होने वाली है, बॉक्सटर की और टोयोटा हाइलक्स की। मैं तो टोयोटा हाइलक्स लूंगा। भाई साइंस की टोयोटा हाइलक्स, मेरी पोर्स बॉक्सटर। अब देखते हैं भाई कौन जीतता है। 3, 2, 1। ओ भाई हाइलक्स तो पहले ही भाग गई भाई, पोर्स तो भाई पीछे रह गई। क्या यार 1.5 करोड़ की गाड़ी हार गई भाई। भाई हमें तो लग रहा था पोर्स बॉक्सटर जीत जाएगी, मगर भाई हाइलक्स ने हरा दिया भाई। गाइस वैसे उम्मीद नहीं थी ये गाड़ी इतनी बुरी तरह हारेगी भाई, इससे बढ़िया था अपना ट्रक ही मस्त है भाई। ये तो कोई पोर्स की चाबी। भाई ये किसकी चाबी उठा लाया छोटी सी। अबे भाई पोर्स की इतनी नकली चाबी होती है क्या? अरे असली है, लोहे की है। अभी हम 24/7 वाली शॉप पे जा रहे हैं, हन्नी के दोस्त का बर्थडे है, उसको चॉकलेट देनी है। अबे भाई उसे छोटी सी चॉकलेट गिफ्ट कर दियो। छोटा बच्चा थोड़ी ना है, बड़ा बच्चा है, इसलिए बड़ी दे देंगे। गाइस आज इतनी ठंड है, हन्नी खुद हाइबरनेशन में चला गया भाई, गुफा में घुसा हुआ है, ठंड हो रही है, बाहर कुल्फी जम जाएगी। चलो तो भाई 24/7 पे चलते हैं और चॉकलेट भी लेके आएंगे। भाई हन्नी को पता नहीं भाई किसके लिए चॉकलेट चाहिए, इतनी रात को परेशान कर रहा भाई। भाई कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? अरे मेरी कहाँ गर्लफ्रेंड है। तो भाई हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। दाल में काला नहीं, पर दाल ही काली है, एक भी सफेद नहीं है। चलो तो गाइस हन्नी के दोस्त के बर्थडे के लिए ना अभी जल्दी से चॉकलेट लेके आते हैं। यार कुछ बढ़िया सा गिफ्ट दे दोस्त को, चॉकलेट ही क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने मुझे मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं दिया था। वैसे उसे 10 रुपए वाली चॉकलेट देता। कहीं लेके जा रहा है इसलिए नहीं दे सकता, लड़कियां भी हो सकती है वहाँ पे। गाइस हन्नी की ना डेली पार्टी है, कल फिर से पार्टी करने जाएगा। चल तो भाई अभी चॉकलेट लेके आते हैं, चलो इस चलते हैं। तो गाइस अभी 24/7 स्टोर में आ गया। ये देखो आते ही ब्लैक वाटर उठाने लग गया। भाई एक बार तो 100 रुपए बर्बाद करवाए थे, अब दोबारा नहीं होता भाई, अब सहन नहीं होता गाइस हमसे। 60 रुपए का तो ले लो भाई, पैसे वेस्ट नहीं करने। भाई ये लेते हैं, खतरनाक चीज है भाई ये। हन्नी ये ले ले दोस्त के बर्थडे पे, उसकी मम्मी मारेगी उसे भी और मुझे भी। ये देखो भाई ये तो महंगी वाली चॉकलेट ले रहा है। कौन सी साइंस बता? ये वाली मस्त है, ये ले लेते हैं, वैसे एक ही रेट है दोनों का। गाइस देखो हन्नी ने तो ये वाली चॉकलेट सेलेक्ट की है। अब ये एक दिन तक कैसे बचा के रखूं, मैं ही खा लूंगा इसे कल। भाई बर्थडे परसों है, गिफ्ट आज लेने आ गया। वाह आज मौका लग गया इसलिए आज ही ले लिया। यहाँ पे मुझे 10 मिनट चैलेंज दो आज। भाई पैसे वेस्ट नहीं करवाने मुझे यार, एक बार दे दो बस। 10 मिनट में पूरी दुकान खाली कर देगा। ये देखो विशाल का दोस्त मिल गया। भाई इतनी रात को कहाँ घूम रहा है तू? मैं आइसक्रीम लेने आया था एक बार। भाई बाहर का टेम्परेचर है 6 डिग्री और 6 डिग्री में आइसक्रीम खाए, गले वाला सब खराब है, जब भी खाएंगे तुमको पागल कुत्ता गाड़ी उठा के ले जाएगा। आइसक्रीम अपनी दुकान पे खा लेता, खुद की दुकान होते हुए दूसरे की दुकान की बिक्री करवा रहे हैं। ये देखो हन्नी बुक्कड़ ने भाई जैम भी ले लिया। हन्नी और शाह ना रोटी में जैम लगा के खाते हैं भाई, रोज रोज बाहर की चीज नहीं खा सकते ना, इसलिए जैम खा लेता हूँ। ये देखो भाई शाह ने कितनी सारी पाइप वाली चॉकलेट ले ली। भाई तेरे दांत सड़ जाएंगे भाई, छोड़ दे। इसने 3-3 सामान ले लिए और ब्रेड भी ले ली। ब्रेड का क्या करेगा? पहली बार ब्रेड के साथ खाएंगे ना जैम को। भाई साइंस भी अजीब है, कितनी गंदी गंदी चीज ले आता, चूरन वाली। गाइस मैंने बहुत खाए हैं चवन्नी के 4 चूरन। हमारे स्कूल के सामने ना ऐसे चूरन मिलते थे और राम लड्डू मिलते थे। हमारे स्कूल में तो कैंटीन ही नहीं है भाई। हन्नी का स्कूल ना पहला ऐसा स्कूल है जिसमें कैंटीन ही नहीं है। पेटीज का चॉकलेट भी नहीं मिलती। चलो तो गाइस अभी मस्त चीज ले लिए, अभी फाइनली चलते हैं घर। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर, अब मस्त पीनट बटर और जैम का सैंडविच बना खाऊंगा। ये देखो इसे कहते हैं असली भुक्कड़, आते ही खोल लिया भाई जैम। गाइस आपने भुक्कड़ बहुत देखे होंगे मगर हन्नी से नीचे नीचे कड़क है। वो तो इसने खाना खा रखा है, नहीं तो पूरा ब्रेड का पैकेट खत्म कर देता अभी। ये देखो भाई पूरा सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने बॉडी बनाने का, बाबा की दया। देख न्यू भाई पीनट बटर भी लगा लिया और जैम भी लगा लिया। ओ भाई अब बढ़ेगी बॉडी। ये देखो साइंस ने भी खाना शुरू कर दिया। तो हेलो गाइस कैसे हो आप सब? आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं ईरन सेंटर यंग एंड डंडास। यंग एंड डंडास जा रहे हैं हम, ये घुमा के लाएगी आज हमें। बापी सबसे बड़ा इंडोर क्रिसमस ट्री है हमारे कनाडा में, तो हम वो सब देखने जाएंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। हम जाएंगे बाय वॉक, मेरे घर से 5 मिनट्स की 5 मिनट्स दूर है यहाँ से, तो वॉक करके जाएंगे और आप सबको दिखाएंगे वहाँ क्या क्या होगा। ठीक है चलो।
थोड़ा ऑकवर्ड लगता है चलते हुए व्लॉग बनाना ना। तो गाइस ये है यहाँ का यंग एंड डंडा स्क्वायर, ये टोरंटो का मेन है। यहाँ पे ना देख सकते हो आप गाड़ी वाड़ी भाई यहाँ सब एक नंबर है यहाँ सीन सारा। तो हम जिस मॉल में जा रहे हैं ना, इस मॉल में जा रहे हैं, ये मॉल है। इस मॉल में मतलब बेसमेंट में सबवे भी है, ट्रेन मेट्रो वगैरह चलती है। ये हमारे इंडिया में देखा होगा आपने, साउथ दिल्ली साइड भी बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन वगैरह बना रहे हैं। और ये देखो कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, सारे ब्रांड दिख जाएंगे आपको। बिलबोर्ड है यहाँ पे, सिद्धू मूसे वाले की भी लगाई थी एड वगैरह। देखो भाई सामने बिल्कुल स्ट्रेट रोड है भाई यहाँ पे ना, और एक कबूतर वगैरह को यहाँ खाना वाना खिलाते रहते हैं। अलाउड नहीं है ऐसे बीच में से रोड क्रॉस करना, पर इन्हें दिखाना है कि भाई हम दिल्ली से हैं, बीच में से जाएंगे। तो देखो हम बीच में से भाग के आ गए हैं। देखो भाई यहाँ ऐसे बेकते रहते हैं। देखो सामने ये है, ये मेट्रो का है। यहाँ से मॉल तो इंडिया जैसी बना रखे हैं, वही है जैसे DLF वगैरह है, एम्बियंस वगैरह गुड़गांव वगैरह में सेम ही है भाई पूरा, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस ये है यहाँ पे आपको इंडियंस की जगह ना गोरे घूमते हुए दिख जाएंगे। देखो हम देखते हैं अपने कोई जैकेट वगैरह देखते हैं। तो यहाँ सारे शूज हैं सारे, मेरे को भी ये दिलाई हुई। तो भाई लड़कियों के साथ इसलिए नहीं आना चाहिए मॉल में। देखो कहाँ ले आई हुई मेरे को, कोरियन स्किन केयर की पता नहीं कोई शॉप है। क्रिसमस ट्री देखने जा रहे हैं यहाँ, सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है। ये है वो क्रिसमस ट्री जिसकी बात कर रहे थे। ये देखो भाई कितनी बड़ी जैकेट है भाई, मेरे जैसे दो तीन आ जाएंगे इस जैकेट में। ओह माय गॉड, देखो क्रिसमस ट्री देखो गाइस कितना बड़ा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा हो, पूरी लाइट वाइट लगा के सजा रखा भाई। यहाँ भाई स्नोफॉल वगैरह भी गिरती है ऐसे बता रही है, ऊपर से मशीन वगैरह से गिराते हैं, लाइटिंग वगैरह होती है। बाकी देख सकते हो भाई यहाँ आधे से ज्यादा ना इंडियन क्राउड ही दिख रहा है मेरे को, और कैनेडियन तो भाई यहाँ इक्का दुक्का ही दिखते हैं। गाइस यहाँ पे देखो एक नया शोरूम देखने को मिला मेरे को, ये ड्रेक का है। ये ड्रेक सिंगर सुना हो ना आपने, ये देखो ये ब्रांड है उसका। $1600 की जैकेट है भाई, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है, कह रही है मेरा रेंट चला जाएगा इसमें। एक नंबर ब्रांड था लेकिन रेट भी एक नंबर थे भाई, 1700-1700 की जैकेट है। तो गाइस देखो यहाँ सारे लिमिटेड एडिशन शूज हैं, तो वो भी देखते हैं इनमें से कोई पसंद आएगा। तो ये देखो भाई बढ़िया लग रहा है, ₹250 का है। हमें यार जूते लेने थे, हमें जूते मिले नहीं वहाँ, ठीक थे और जो पसंद आ रहे थे कुछ ज्यादा ही महंगे थे, $800 के। बहुत सुंदर जगह है गाइस यहाँ पे, इतना ज्यादा चल चुके हैं भाई, बहुत थक है आज हम। और मेरे को भी एक और जगह, बड़ी स्पेशल जगह जाना है कल। मैं आपको कल का व्लॉग बहुत बढ़िया होगा भाई, डेट पे नहीं जाता भाई, लड़कियों के आस पास नहीं जाता। 85% आई है मेरी, दो बार और लानी है, मेरिट लिस्ट में नाम आया मेरा। हम हैं, ये हमारा घर और ये पानी। ऐसा आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं।